इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। वक्त हो गया सुपर फास्ट 100 का और मैं हूं मैथ्री त्रिपाठी। सबसे पहले बात एग्जिट पोल की। एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनने के आसार हैं, लेकिन 16 मई को 16वीं लोकसभा के नतीजे आने से पहले ही राष्ट्रपति भवन भी एक्शन में आ गया है। पीएम और नई सरकार की शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां राष्ट्रपति भवन में जोर शोर से चल रही हैं। एग्जिट पोल में भले ही नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन कैबिनेट के अहम मंत्रालयों का फैसला मोदी अकेले नहीं ले पाएंगे। सूत्रों से खबर है कि आरएसएस की मर्जी से ही वित्त, रक्षा, गृह और विदेश मंत्री तय होंगे। बताया जाता है कि एग्जिट पोल के बाद आरएसएस की एक अहम मीटिंग हुई थी, जिसमें बीजेपी नेता नितिन गडकरी भी मौजूद थे। सूत्रों से खबर है कि इस बैठक में आरएसएस ने संकेत दिए कि वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री उनकी पसंद का होगा। एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी सरकार बनने की संभावनाओं के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का बयान आया है। उन्होंने कहा कि वो नई सरकार के साथ काम करने को तैयार है। ओबामा ने यह भी कहा कि दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने बराक ओबामा के बयान का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भी संकेत दे रहा है कि देश में हवा किस दिशा में चल रही है। ओबामा की प्रतिक्रिया पर कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि शुरुआत में सभी देश अच्छाई की बात करते हैं, बाद में विदेश नीति बनने के बाद असलियत का पता चलता है। हर कंट्री इसी तरह से बोलती है और बोलना भी चाहिए, और हम भी इसी तरह की बातें करते हैं। आगे चलने के बाद जब सरकार की पॉलिसी सामने आती है, उसके बाद पता लगता है कौन कितना पानी में है। एग्जिट पोल के आते ही नरेंद्र मोदी की सुरक्षा और कड़ी करती गई है। मोदी को लेकर आईबी को कई इनपुट्स भी मिले हैं, जिसके बाद मोदी की सुरक्षा में लगे एनएसजी कमांडोज की संख्या बढ़ा दी गई है। मोदी को पहले से ही जेड प्लस की सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद मोदी पर खतरे की आशंका को देखते हुए सुरक्षा में और इजाफा किया गया है, और मोदी को दी जा रही ये सुरक्षा एसपीजी के मुकाबले कहीं ज्यादा। प्रधानमंत्री बनने की संभावना के बीच आज नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बीजेपी विधायकों की अहम बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में मोदी अपने उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा कर सकते हैं, और उनके बाद गुजरात का सीएम कौन होगा इस पर बात होगी। शाम में मोदी की बुलाई गई मीटिंग से पहले गुजरात बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक भी हुई। गांधीनगर में हुई इस बैठक में गुजरात के कई वरिष्ठ बीजेपी नेता और विधायक भी शरीक हुए। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में आनंदी बेन पटेल गुजरात की नई मुख्यमंत्री बन सकती हैं। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के मुताबिक गुजरात में मोदी कैबिनेट की सबसे ताकतवर मंत्री मानी जाने वाली आनंदी बेन पटेल सीएम की रेस में सबसे आगे हैं। सूत्रों से खबर है कि आनंदी बेन पटेल के नाम की चर्चा नरेंद्र मोदी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी आलाकमान से भी की है। आनंदी बेन नरेंद्र मोदी की बेहद भरोसेमंद भी मानी जाती है, इसलिए मोदी उन्हें ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाह रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि आनंदी बेन पटेल के नाम का औपचारिक ऐलान लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद भी हो सकता है। अखबार का दावा है कि 20 मई से पहले भी आनंदी बेन पटेल सीएम पद की शपथ ले सकती हैं। आनंदी बेन पटेल साल 1998 से ही गुजरात सरकार में मंत्री है। वो मोदी कैबिनेट की सबसे अनुभवी और तेज तर्रार मंत्री भी है। फिलहाल वो राजस्व, सड़क और भवन निर्माण के साथ साथ शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे हैं। एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलने की खबर आते ही शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने नरेंद्र मोदी को फोन पर बधाई दी। उद्धव फिलहाल लंदन में हैं, और उन्होंने वहीं से मोदी को टेलीफोन किया और आगे की रणनीति पर बात की। नेशनल पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष पीएस संगमा सोमवार शाम नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंच गए। गांधीनगर में नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद संगमा ने कहा कि वो देश के भावी प्रधानमंत्री से मिलने आए। फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर का शादी मीटिंग हुआ यार, अच्छा मीटिंग है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने भी सोमवार को गांधीनगर में नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद गडकरी ने कहा कि बीजेपी को बहुमत मिल जाने के बाद भी अगर कोई पार्टी एनडीए में आती है तो परहेज नहीं है। हमको भारतीय जनता पार्टी और आज की जो वर्तमान एनडीए है उसको बहुमत मिलने के बाद में भी जो भी पार्टी हमारे साथ आना चाहती है उनको सबको साथ में लेकर जाना, यही हमारा स्वभाव रहा है। भले ही एग्जिट पोल में एनडीए को साफ बहुमत मिलता दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसे नतीजे नहीं आने पर बहुमत का आंकड़ा जुटाने के लिए बीजेपी कुछ क्षेत्रीय दलों को अपने पारे में लाने की कवायद में जुटेगी, और बीजेडी, टीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस से बात करेगी। दिल्ली में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। गडकरी आडवाणी के घर पहुंचे और एग्जिट पोल के बाद के ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्यालय के स्टाफ ने मनमोहन सिंह को आज विदाई दी। पीएमओ के करीब 110 अधिकारियों कर्मचारियों की तरफ से पीएम को गुलदस्ता भी भेंट किया गया। पीएम ने अपने स्टाफ का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि आप लोगों ने देश की अच्छी सेवा की।
एग्जिट पोल में भारी हार के आसार के बीच आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आखिरी कैबिनेट मीटिंग हुई। मौजूदा यूपीए सरकार की इस आखिरी कैबिनेट बैठक में मनमोहन सिंह अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ चर्चा करेंगे। 17 मई को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 7RCR का पीएम आवास छोड़ देंगे और 3 मोतीलाल नेहरू वाले नए बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे। इस बंगले में काम तकरीबन पूरा हो चुका है। यहां पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के दौरान शीला दीक्षित रहा करते हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने सरकारी आवास 7RCR से 17 मई को विदा हो जाएंगे। रिटायरमेंट से पहले आज पीएम ने अपने पूरे स्टाफ को डिनर पर आमंत्रित भी किया है। एग्जिट पोल में कांग्रेस की करारी हार की आशंका के बीच ही कांग्रेस पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बचाव में आ गई है। 16 मई को रिजल्ट आने से पहले ही कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया है कि नतीजे चाहे जो भी हो इसकी जिम्मेदारी सामूहिक होगी। बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कांग्रेस में जब भी क्रेडिट लेने की बात आती है तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आगे कर दिया जाता है, लेकिन जब इस चुनाव में करारी हार देखने को मिलेगी तो कांग्रेस सामूहिक जिम्मेदारी की बात करने लगेगी। एग्जिट पोल आने के बाद कांग्रेस ने प्लान एम बनाना शुरू कर दिया है ताकि बीजेपी को सत्ता में आने से रोका जा सके। सूत्रों से खबर है कि सोनिया गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है और ममता बनर्जी, मायावती और मुलायम सिंह यादव से संपर्क साधने में जुट गई। कांग्रेस भले ही एग्जिट पोल को नकार रही है लेकिन पार्टी में खलबली जरूर मच गई है। कल रात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोर ग्रुप की बैठक बुलाई जिसमें वरिष्ठ नेताओं के साथ आगे की रणनीति पर विचार किया गया। सूत्रों के माने तो बैठक में यह तय किया गया कि अगर नतीजे एग्जिट पोल से मिल खाते हैं तो कांग्रेस नेताओं और प्रवक्ताओं की क्या स्टैंड होगा। 16 मई को चुनाव के नतीजे के दिन कांग्रेस पार्टी एक सुर में बोले, इस पर भी चर्चा हुई। एग्जिट पोल के नतीजों से उत्साहित बीजेपी नेता अभी से जश्न के मूड में आ गए। बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी के घर जुटे नेता गीत संगीत और हंसी ठिठोली करते हुए नजर आए। मैं तूफान उठा है जनता का अरमान उठा है, हर दिल में तूफान उठा है जनता का अरमान उठा है, हथियारों का नाम मिटाने सूरज ले अभियान उठा है, अब एक और समंदर रख दो अर्जी क्या था अंदर रख दो, समंदर रख दो क्या था अंदर। एग्जिट पोल में बीजेपी को भारी बढ़त और एनडीए को बहुमत मिलने की संभावना से बीजेपी गदगद है। हालांकि बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर का दावा है कि 16 मई को नतीजे और बेहतर आएंगे। एग्जिट पोल जो आए हैं उससे भी ज्यादा बेहतर नतीजे आएंगे, यह हमारा पूर्ण विश्वास है कि एनडीए बहुत शानदार तरीके से सफल हो रही है। बीजेपी नेता उमा भारती ने एग्जिट पोल ने वही बताया जो कि अनुमान था, उन्होंने ये कहा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनेगी। पहले से ही अनुमान था कि हम 300 के आसपास पहुंच जाएंगे और एनडीए अपने ही दम पर सरकार बना लेगा। उसका कारण है कि देश 10 साल से बहुत परेशान है कुशासन से और उनको सुशासन चाहिए था। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद सरकार नहीं बना पाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता मीम मबचल ने कहा कि जैसे दिल्ली में बड़ी पार्टी होने पर भी बीजेपी सरकार नहीं बना पाई थी, वैसे ही केंद्र में भी सरकार नहीं बना पाई थी। कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी ने साफ गोई के साथ कहा है कि हमारे 10 साल सत्ता में रहने के बाद हो सकता है कि लोग बदलाव चाह रहे हों। एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और कहा कि जिस देश में 80 करोड़ मतदाता है वहां कुछ लाख सैंपल साइज के साथ चुनावी नतीजे का सर्वे कैसे किया जा सकता है, कम से कम हमें 16 मई तक का इंतजार करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और चुनावी सर्वे करते रहे योगेंद्र यादव ने एग्जिट पोल में बीजेपी को मिल रही सीटों पर सवाल उठाया। हालांकि उन्होंने माना कि बीजेपी सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। चुनाव के दौरान 100 सीट से ज्यादा जीतने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी के सुर एग्जिट पोल आने के बाद बदल गए हैं। आप नेता कुमार विश्वास ने माना कि पार्टी से कुछ गलतियां हुई जिन पर विचार करना होगा। जब हमने छोड़ी थी सरकार तब हमको यही करना चाहिए था, हमको पूरी दिल्ली को संज्ञान में लेना चाहिए था, हमें खूब सारी बातें करनी चाहिए थी। मैं तो था नहीं यहाँ पर, मैं तो अमेठी में था, लेकिन ये निर्णय में हमें देरी हुई। तो ऐसी कुछ गलतियां की हैं जिन पर हम सोचते हैं कि इस चुनाव के बाद संगठन बैठ के विचार करेगा। समाज सेवी अन्ना हजारे ने कहा है कि उस बात की कम उम्मीद है कि बहुमत की सरकार बनेगी, लेकिन देश को बहुमत वाली सरकार चाहिए ताकि करप्शन खत्म हो। एग्जिट पोल में मोदी सरकार बनती देख बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर में हवन पूजन के साथ बतौर पीएम नरेंद्र मोदी का विधिवत राजतिलक कर दिया।
एग्जिट पोल के नतीजे सामने आते ही शेयर बाजार में धमाकेदार शुरुआत हुई। सेंसेक्स 23,730 और निफ्टी 7,080 पर खुले। शुरुआती मिनटों में ही सेंसेक्स ने 24,000 का स्तर छू लिया, जबकि निफ्टी 7,100 का स्तर पार कर कारोबार कर रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले एग्जिट पोल में मोदी सरकार बनती दिख रही है। करीब करीब सभी एजेंसी और सभी न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल में एनडीए सरकार बनने की संभावना जताई गई है। वहीं कांग्रेस को भारी नुकसान हो रहा है। एनडब्ल्यूएससी वोटर के एग्जिट पोल में बीजेपी प्लस को 289 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस को 101 सीटें और अन्य को 153 सीटें मिलने का अनुमान है। एक्सिस के एग्जिट पोल में बीजेपी प्लस की सरकार बनती साफ साफ दिख रही है। बीजेपी प्लस को 287 सीटें और कांग्रेस प्लस को 107 सीटें मिलने का अनुमान। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में अकेले बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाया गया है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में बीजेपी प्लस को 340 सीटें, कांग्रेस को सिर्फ 70 और अन्य जिसमें थर्ड फ्रंट भी शामिल है उसको 135 सीटें मिलती हुई दिख रही है। आज तक सिसरो के एग्जिट पोल में बीजेपी प्लस को 272 सीटें मिल रही है, कांग्रेस प्लस को 115 और रहने के खाते में 156 सीटें। इंडिया टीवी सी वोटर के एग्जिट पोल में बीजेपी प्लस को 289 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस प्लस को 101 सीटें और अन्य के खाते में 148 सीटें जाती हुई दिख रही है। जी न्यूज के एग्जिट पोल में बीजेपी प्लस जादुई आंकड़े को पार कर गई है। बीजेपी प्लस को 272 सीटें यानी कि पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। न्यूज चैनल एनडीटीवी के एग्जिट पोल में बीजेपी प्लस को 280 यानी पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाया गया है, कांग्रेस को सिर्फ 111 सीटें और अन्य के खाते में 152 सीटें जाती हुई दिख रही है। न्यूज नेशन वारजी एग्जिट पोल में किसी को भी पूर्ण बहुमत मिलता नहीं दिखाया गया है, लेकिन बीजेपी प्लस बहुमत के करीब है। बीजेपी प्लस 257 सीट और कांग्रेस को 135 सीटें मिलती दिखाई गई है। एबीपी नीलसन के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी प्लस को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। बीजेपी प्लस को 281 सीटें मिलती हुई दिख रही है, कांग्रेस प्लस को 97 और अन्य के खाते में 165 सीटें गई हैं। प्रचार के दौरान हमलावर रहने के बाद नरेंद्र मोदी अब चुनाव आयोग की तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया में मैसेज जारी कर मोदी ने कहा कि चुनाव के दौरान चुनाव आयोग और सभी निर्वाचन अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों के सतत प्रयासों के लिए बधाई देता। मोदी ने पिछली बार के मुकाबले ज्यादा वोटिंग होने पर भी सोशल मीडिया में मैसेज जारी किया है। बिहार में बीजेपी नेता गिरिराज सिंह को बड़ी राहत मिली है। बोकारो कोर्ट ने गिरिराज को नियमित जमानत दे दी है। भड़काऊ भाषण को लेकर गिरिराज सिंह के खिलाफ 3 मामले दर्ज कराए गए थे। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में चुनाव आयोग के नोटिस से आकाश अरविंद केजरीवाल को जवाब देना है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने मोदी पर दिए गए विवादित बयान का जवाब देने के लिए 3 दिन की मोहलत दी है। रफेल न्यूज के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग इस मामले में 23 मई को सुनवाई करेगा। यूपी के गाजीपुर में अखिलेश सरकार के मंत्री की दबंगई देखने को मिली। वोटिंग के लिए लाइन में लगे लोगों को दरकिनार करके कैबिनेट मंत्री कैलाश यादव पूरे परिवार के साथ आगे निकल गए। इतना ही नहीं, लाइन तोड़ने के बाद मंत्री जी ने मतदान कर्मी को धमकाना शुरू कर दिया। सरकार के मंत्री की दबंगई देखने को मिली। वोटिंग के लिए लाइन में लगे लोगों को दरकिनार करके कैबिनेट मंत्री कैलाश यादव पूरे परिवार के साथ आगे निकल गए। इतना ही नहीं, लाइन तोड़ने के बाद मंत्री जी ने मतदान कर्मी को धमकाना शुरू कर दिया। दरअसल एक शख्स के पास मतदाता पर्ची नहीं थी, जब उसे वोट देने से रोका गया तो मंत्री कैलाश यादव मतदान कर्मी से भिड़ गए। दिल्ली में पीएम मनमोहन सिंह ने पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को उनकी 109वीं जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि दी। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 के बीच देश के 5वें राष्ट्रपति रहे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के जमीन सौदों की जांच की मांग वाली अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई अटल गई है। 21 मई को अगली सुनवाई। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के मुद्दे पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट के एक वकील ने जनहित याचिका दाखिल कर दिल्ली को यूटी कैडर से हटाकर पूर्ण राज्य घोषित कराने की मांग की है। आसाराम यौन उत्पीड़न मामले में जोधपुर सेशंस कोर्ट में पीड़ित से जिरह अधूरी रही, अब कल भी जिरह का काम चले। मतदान खत्म होते ही सरकार ने जनता को महंगाई का झटका दिया। डीजल की कीमतों में 1.09 रूपये की बढ़ोतरी की गई है। दाम बढ़ने के बाद अब दिल्ली में डीजल की कीमत 56.71 रूपये प्रति लीटर हो गई है। लखनऊ में दिन दहाड़े लुटेरों ने गैंग के एक ज्वेलर को लूट लिया। लुटेरों की गैंग ने साजिश के तहत ज्वेलर की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया।
साजिश के तहत सबसे पहले एक महिला ने ज्वेलर से सोने के कंगन दिखाने को कहा। ज्वेलर ने जैसे ही सोने के 8 कंगन काउंटर पर रखे तो 2 लुटेरे दुकान में घुस आए। एक ने तमंचा दिखाया, दूसरे ने कंगन बैग में डाल दिए। सोने के लाखों के कंगन बैग में रखने के बाद महिला और उसके 2 साथी दुकान छोड़कर भाग गए। बिहार के औरंगाबाद में गुस्साई भीड़ ने एक डंपर में तोड़फोड़ कर उसे आग के हवाले कर दिया। इस डंपर ने स्कूल जा रहे एक बच्चे को रौंद दिया था। भीड़ ने पीड़ित परिवार को मुआवजे और डंपर ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घंटों हंगामा किया। गुजरात के खेड़ा जिले में हुए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 9 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि टायर फटने की वजह से कार अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे पर खड़ी थी। यूपी के बहराइच में दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। सोमवार को पश्चिम बंगाल के कोलाघाट में एक थर्मल पावर प्लांट में लगी आग से हड़कंप मच गया। मुंबई में एक टीवी एक्ट्रेस के साथ रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 27 साल की पीड़ित टीवी एक्ट्रेस को फ्लैट दिलाने का झांसा देकर तांत्रिक ने उसके साथ रेप किया। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एक शख्स और उसके 2 भाइयों की हत्या कर दी गई। यूपी के लखीमपुर में पुलिस की हैवानियत देखने को मिली है। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लेकर बेरहमी से पिटाई कर दी। कानपुर में एक सब इंस्पेक्टर की एक बिल्डिंग के 7वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। एमपी के गुना से बीजेपी विधायक ममता मीना पर कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। विधायक ने बहादुरी दिखाते हुए बदमाशों को दबोच दिया। इनके पास से हथियार बरामद हुए। झारखंड के गुमला में पुलिस ने एक हार्डकोर नक्सली के साथ उसके सहयोगियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। रायबरेली में एक मासूम बच्चे पर उसके टीचर का कहर टूटा है। बच्चे की किसी गलती पर गुस्सा है, टीचर ने उसे इतना पीटा कि उसका एक पैर भी टूट गया। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह मौसम ने मिजाज बदला। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। हिमाचल के हमीरपुर में भारी बारिश और ओले गिरने से पारा काफी गिर गया। ओला गिरने से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। बद्रीनाथ में रुक रुक कर बारिश के साथ बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया। चिलचिलाती गर्मी से निजात पाने के लिए मैदानों से यहां आए लोग इस यात्रा को रोमांचक बता रहे हैं। श्रीनगर में नया एंड्रॉयड बेस्ड इंटरनेट एफएम रेडियो लॉन्च किया गया है जिसका लोग खूब मजा ले रहे हैं। मोटोरोला कंपनी ने मोटो स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर दिया है। उसकी कीमत 6,999 रूपये रखी गई। जीवा आयुर्वेद ने मुंबई में 4 क्लिनिक का उद्घाटन किया। मुंबई के अंधेरी वेस्ट, कांदिवली ईस्ट, ठाणे और मीरा रोड पर ये क्लिनिक खोले गए। जीवा आयुर्वेद ने 2015 तक 50 क्लिनिक खोलने का लक्ष्य रखा है। मुंबई से हमने शुरुआत की है तो 4 क्लिनिक्स यहाँ पर शुरू किए क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे हमारे पेशेंट लोग हैं जिनकी डिमांड रही है। अपने दूसरे फेज में जीवा पुणे, चेंबूर, नवी मुंबई, कल्याण, नागपुर और नासिक में क्लिनिक खोलने की प्लानिंग कर रहा है। जीवा संस्थान अगले साल तक पूरे भारत में 25 और क्लिनिक खोलने की तैयारी है। पूरे महाराष्ट्र में हम जाएंगे, इसके बाद जो है हम पुणे में, औरंगाबाद और जो बड़े बड़े शहर हैं इनमें जाएंगे और आगे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी तो पूरे महाराष्ट्र में ही जो है इसमें क्लिनिक्स खोलेंगे। आईपीएल में आज 2 मुकाबले हैं। पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना होगा राजस्थान रॉयल्स से जबकि दूसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली डेयरडेविल्स आमने सामने होंगे। आईपीएल सीरीज में सोमवार को खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। आईपीएल के बाद टीम इंडिया 3 वनडे मैचों की सीरीज में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेश जाएगी। दुनिया के नंबर 1 रेसर उसैन बोल्ट ज्यूरिख में होने वाली डायमंड लीग एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। पैर की चोट से उबरने के बाद आयोजकों ने बोल्ट के चैंपियनशिप में शामिल होने का ऐलान किया। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन पंकज आडवाणी ने क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया क्लासिक बिलियर्ड्स और स्नूकर टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। नाइजीरिया में आतंकी संगठन बोको हराम ने एक नया वीडियो जारी किया है। वीडियो में अपहरण की गई 130 लड़कियों को दिखाया गया है। तालिबान ने अफगानिस्तान के काबुल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे समेत कई जगहों पर हमले किए हैं। भारतीय मूल के इंदिरा तलवानी को अमेरिका के मैसाचुसेट्स प्रांत में जज बनाया गया है। इंदिरा संघीय जज बनने वाली पहली एशियाई बन गई है। 70 के दशक में बॉलीवुड में बतौर विलेन पहचान बनाने वाले अभिनेता सुधीर का निधन हो गया है। मुंबई में फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने फिल्म स्पाइडरमैन 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग के प्रोग्राम को होस्ट किया। इस मौके पर उनके साथ कैंसर पीड़ित बच्चे भी थे। एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों को उस समय शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब वो मुंबई में आयोजित एक फैशन शो में रैंप वॉक के दौरान गिर पड़ी।
और पूनम ढिल्लो विक्रम फडणवीस की डिजाइन की गई साड़ी पहनकर रैंप पर आई थी। उन्होंने रैंप पर वॉक करना शुरू ही किया था कि उनकी साड़ी पैरों में उलझ गई और उनका बैलेंस बिगड़ गया।